नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज दिव्या। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर सेट नंबर 202। इससे पहले हम लोग 201 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि सभी बैंक एग्जाम की तैयारी आपकी रेगुलर हो सके। और 4 पजल करेंगे 1200 में। अगर आप ये क्लास मई 2022 में देख रहे हो तो ये आपका डेली शेड्यूल है। सुबह से लेके अब तक मैं ये 5 क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ और हम बात कर रहे हैं 5 बजे की क्लास की, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, अब आपको इंस्टाग्राम पर रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग की ट्रिक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग की ट्रिक्स। आप वहाँ पे सर्च करिएगा दिव्या गुप्ता डीजी, ठीक है, या फिर आप दूसरा एक सर्च करेंगे दिव्या बैंकिंग डीजी, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक पेज सर्च कर सकते हो, दोनों पे आपको ट्रिक्स मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये थी पहले भी लॉन्च हो चुकी है और ये वापस से लॉन्च की गई है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 7 डेज का फ्री अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हो ना, बिल्कुल फ्री ट्रायल है ये लर्निंग फेस्टिवल आपका। ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा केवल उन लोगों को जो स्पेशल क्लास में पहली बार क्लास देखेंगे। तो इसकी आपको कैसे फायदा उठाना है, ये सेकेंड और थर्ड मे के लिए है। आपको क्या करना है, आप अनअकैडमी पर जाके एक नई आईडी बनाइएगा, एक नए नंबर से या नए आपके पास ईमेल आईडी हो, लॉगिन करोगे तो जब आप किसी स्पेशल क्लास पे जाओगे ना तो वहां आपसे कोड मांगेगा, ठीक है। बिल्कुल न्यू आईडी होनी चाहिए, तो आप ये कोड यूज करना, दैट इज डीवीजी लाइव, आगे अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको देखने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद आपके मेल पर एक मैसेज आएगा कि आपको 7 डेज फ्री का फ्री ट्रायल मिल गया है, ठीक है। और उस पर आपको काफी सारा फायदा होगा और उसके लिए आप मेरा सेम कोड यूज करोगे डिग्री। चलिए पहले आपका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो 7 एम्प्लॉयज है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 5 का अटेंडेंस मशीन है डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो आप टाइम स्लॉट ले लो भाई, 9 है, 9:15 है, जितने भी टाइमिंग आपको दिए जा रहे हैं आप सारे नोट डाउन करोगे। पहली लाइन है सी डजंट पंच एट 9 AM। ओके, सी जो है वो सुबह नहीं है, मतलब 9 बजे नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर ई इक्वल आफ्टर जी, मतलब जितने ई के पहले हैं उतने आपके जी के बाद में है, ऐसा हमको यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे गाइस, एक में रुकेगा बस।
सॉरी गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम था, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा पहले वाली पजल सॉल्व करेंगे। देखो आगे हमको बोला गया है इसके बाद में एटलीस्ट वन बिटवीन अ सी एंड ए। अब बोला गया है सी और ए के बीच कम से कम एक है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि एक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, एफ जस्ट आफ्टर ए, ए के एकदम बाद में एफ है। आगे बी डजंट जस्ट आफ्टर ई और जी। अच्छा बी जो है ना वो ई और जी के एकदम बाद में नहीं है, और डी ने 11:45 पे, तो हमारा डी हो गया कंफर्म। अब दिमाग में यही आता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। तो आई थिंक ये इजी वाली लाइन बढ़िया लग रही है, बाकी सी से कुछ खास कनेक्टेड है नहीं, है ना। और हम बात करें सी ए, ये भी हमने ले लिया। चलो तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, हम यही लेते हैं। या तो सी से तो बहुत पॉसिबिलिटी है। देखो ई और जी आपका यहाँ हो सकता है ना, मतलब कि आप केवल एक डॉट बना देते हैं, हम लोग पूरा पूरा नहीं लिखते हैं। ई और जी यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, और इसके अलावा ई और जी यहाँ हो सकता है, ई और जी यहाँ हो सकता है, बस इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके फॉरन अब देखो ए और एफ आना है, तो ए एफ के आने की यही पॉसिबिलिटी है। अब आपको पता है यही वैसे भी आएगा, तो इसका मतलब ए ए को आप यहाँ नहीं ले सकते, फिर सी नहीं बनेगा, ए एफ और कम से कम ए छोड़कर सी। यहाँ बात करें तो ये ए एफ आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ए एफ डन हो गया। अब सी ए के बीच में मिनिमम एक होगा, तो या तो सी यहाँ आएगा या फिर यहाँ। ई जी के बाद में बी नहीं आएगा, तो ये बी डिसाइड, कुछ भी कर लो यार, या तो बी यहाँ आएगा या यहाँ, जो कि जी के बाद आएगा, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब कौन बचेगा हमारे पास, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, कौन बचा है भाई, ए बी सी डी ई, हाँ ई जी बचा हुआ है। आई थिंक मुझे लग रहा है ई, हाँ एक ई जी से रिलेटेड कोई लाइन नहीं दिख रही है ना। देखे एक बार, बी डजंट पन जस्ट आफ्टर ई और जी, कोई भी लाइन नहीं दिख रही हमको, तो इसका मतलब कि ई जी चला जाएगा आपका, पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर कोई लाइन हो तो मुझे बताना, बाकी मुझे तो नहीं दिख रही है ई जी से रिलेटेड, है ना। चलो फिलहाल ये हो गया। अब बात करेंगे पजल नंबर फर्स्ट, जिसका टाइमर मैंने दे दिया था। देखो देयर आर एट पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये अलग अलग सिटी से हैं, और इनकी जो ऑर्डर है वो दे रखा है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने लिखा सीईओ, उसके बाद में लिखा हमने जीएम, उसके बाद में लिखा एसएम, उसके बाद एएम, डीएम, पीओ, क्लर्क, और ये हो गया हमारा पियोन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे हमको बोला गया है नेक्स्ट कंडीशन में, पहली लाइन में आर इमीडिएट सीनियर टू यू, आर जो है वो आपका यू से एकदम क्या है, सीनियर है, तो हमने लिया आर यू के एकदम ऊपर है। आगे बोला गया है इसके बाद में एंड इमीडिएट जूनियर टू पी, और पी से इमीडिएट जूनियर है, तो कुछ इस तरीके से हमारा इतना डन हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, वी और क्यू सीनियर टू चंडीगढ़, ओके वी और क्यू दोनों के दोनों चंडीगढ़ के ऊपर हैं। टू सच पीपल हु वर सीनियर टू डीएम, जो डीएम से सीनियर हैं और टी से जूनियर हैं, तो हमारा ये भी कंफर्म हो गया। आगे क्यू इमीडिएट जूनियर टू एस, एस के एकदम नीचे क्यू आएगा। पटना इमीडिएट जूनियर टी, तो टी के एकदम नीचे वाला पर्सन पटना हो जाएगा। आगे द पर्सन गुवाहाटी जूनियर पानाजी, ओके पानाजी के एकदम नीचे गुवाहाटी, नहीं कहीं नीचे गुवाहाटी है, और बोला गया है गुवाहाटी जूनियर टू पानाजी बट सीनियर टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के ऊपर है। थ्री पीपल हु वर जूनियर टू पर्सन पटना और सीनियर टू यू, मतलब 1 2 3 जो कि पटना से जूनियर है और यू से सीनियर है, और यू के आपको पता है एकदम ऊपर आर है और उसके ऊपर पी है, ये भी डन हो गया। आगे हम देखें तो एस क्यू आने की केवल एक जगह मिल रही है, ये वाली, वी के नीचे चंडीगढ़ आना है, तो ये हो गया। आई होप सभी को क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे बोला गया है डब्लू भोपाल से है, इमीडिएट जूनियर है अहमदाबाद, डब्लू ये भोपाल और ये हो गया आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट दे रखा है इसके बाद पी जो है वो एएम नहीं है, अपने आप ही नहीं है। द पर्सन लखनऊ सीनियर टू पी,
पी के ऊपर है बट इमीडिएट जूनियर टू हैदराबाद, मतलब कि हैदराबाद के एकदम नीचे लखनऊ है और लखनऊ पी के ऊपर है, ये डन। अब बचेगा पानाजी गुवाहाटी चंडीगढ़, ये पानाजी, ये गुवाहाटी और ये चंडीगढ़, डन। बहुत बढ़िया, चलिए बात करेंगे इसके बाद में पजल नंबर सेकंड की। इसमें जरा टाइमर लगा दें क्योंकि पहले वाले में टाइमर नहीं लग पाया था, है ना। चलिए गाइस स्टार्ट कीजिए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए सॉल्व करेंगे पजल नंबर सेकंड अपनी, देखिएगा क्या बोला गया है। हमारे पास में है छह लोग हैं, एक रेगुलर हेक्सागन में है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, एक यहाँ पर हेक्सागन लेना है, आपको टोटल सिक्स साइड्स लेनी है और उसके वर्टेक्स पे जो है छह लोग बैठे हुए हैं जो कि सेंटर की तरफ में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर एक हेक्सागन लिया और इसके अराउंड में आपको दिया जा रहा है छह लोग हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिए, छह लोग जो है वो ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो वो हमको यहाँ पे बोला गया है, एक मिनट एवरीवन, या तो आगे हमको क्या बोला गया है, ओहो गाइस एक मिनट वर्टेक्स था, मैंने एजेस ले ली है, एक मिनट रुकिएगा जरा। वर्टेक्स था, वैसे तो खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बट आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए चलो आगे बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन।
ये अलग अलग तरीके के कलर्स लाइक करेंगे. द पर्सन रेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हो, रेड वाला जो भी है ओके सेकंड लेफ्ट में है. नेक्स्ट पी इमीडिएट नेबर ऑफ एम, पी एम का इमीडिएट नेबर है. येलो नेबर ऑफ एम, एम का नेबर है येलो. नेक्स्ट एल एंड क्यू डोंट लाइक ब्लू, मतलब कि एल और क्यू दोनों को ब्लू पसंद नहीं है. पी डजंट लाइक येलो, ओके पी को येलो पसंद नहीं है. नेक्स्ट एम सेकंड टू द राइट ऑफ ब्लू, क्या लाइन बहुत बढ़िया है. आप चाहो तो बना सकते हो कि ब्लू के सेकंड राइट में एम है. नेक्स्ट एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ओनली वन पर्सन क्यू एंड ब्राउन. द पर्सन ग्रीन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी. ठीक है, अब हमको दिमाग लगाना है कि आखिरकार कौन सी लाइन से स्टार्ट करें. मुझे तो यार ये पीएम वाली लाइन बढ़िया दिख रही है. देखो आपने एम के बगल में एक बार पी को यहाँ लिया और एक बार पी को यहाँ लिया. अब एम के बगल में येल्लो भी आना है और आपको पता है पी येल्लो नहीं है तो वो दूसरी साइड पर हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी डन. नाउ यू नो नेक्स्ट कंडीशन में कि ब्लू के सेकंड राइट में एम है, तो ये आपका ब्लू के सेकंड राइट में एम भी डन, ये वाली लाइन भी डन. आगे हमको पता है कि एल और क्यू दोनों ब्लू ही होंगे, है ना, और एल के सेकंड लेफ्ट में एन है. एल यहाँ हो नहीं सकता, एल यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता. एल के सेकंड लेफ्ट में एन, याद रखो एल ब्लू नहीं होगा, है ना. एल यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ नहीं. देखो पॉसिबिलिटी गलत हो गई. हाँ एल येल्लो हो सकता है. एल के सेकंड लेफ्ट में एन, ये भी डन. आगे बढ़ेंगे. आगे आपको पता है क्यू और ब्राउन के बीच में एक है ना, तो अभी रुक जाओ जरा. और क्या कंडीशन है, ओके. अच्छा पी के सेकंड लेफ्ट में ग्रीन है, तो ये पी के पॉसिबिलिटी गलत. आगे बढ़ो. आगे हमको पता है ओके सेकंड लेफ्ट में रेड है, रुक जाओ. एल और क्यू ब्लू नहीं है, क्यू नहीं आएगा. ये हमारा क्यू भी डन, ये ओ बचेगा. ओके सेकंड लेफ्ट में रेड भी डन, और क्यू और ब्राउन के बीच में एक है, ये भी डन. एक कलर बचा है हमारे पास में, दैट इज ओनली व्हाइट. आंसर डन. क्लियर, चलो नेक्स्ट पजल नंबर थर्ड.
ओके गाइस, आई होप कि पजल सॉल्व हो गई होगी सभी की। ओके लेट्स सी, 8 लोग हमको दिए जा रहे हैं और आपको ये बोल दिया गया है कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड में है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट है हमारे पास में 4 आउट है, रिमेनिंग 4 इन है और आपको ओनली 2 पीपल हर एक साइड पर है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कॉर्नर वाला काम नहीं है, यहाँ पर हर एक साइड में 2 लोग आपको दिए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 2 लोग जो है वो बना दिए। अब आपको नहीं पता इन लोगों की डायरेक्शन कैसी है ना। आर नेबर ऑफ क्यू, नेक्स्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट में आर है। एस और पी एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट, एंड दोनों सेम डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया, एस और पी की डायरेक्शन सेम है। द पर्सन अपोजिट टू बी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज बी। अच्छा, बी के सामने जो है ना उसकी डायरेक्शन बी की तरह है। सी और पी ए के नेबर नहीं है, सी और पी दोनों ए के नेबर नहीं है, ए इन है। ओके, ए की डायरेक्शन पता लग गई। क्यू सेकेंड टू द लेफ्ट है डी के, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओनली 2 बिटवीन एस एंड सी। अब बोला गया है एस और सी के बीच में 2 है और हमको ये भी पता है कि सी आउट है। द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ सी, सेम डायरेक्शन सी, मतलब सी के इमीडिएट राइट वाला भी आउट होगा, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब दिमाग में यही रहता है स्टार्ट कहाँ से करें, तो मुझे ये पी आर वाली लाइन बढ़िया लग रही है यार, है ना। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम पी, या फिर हम क्यू और डी से कर सकते हैं, बट मुझे पी वाली लाइन बढ़िया दिख रही है। देखो, पी को एक बार इधर रखो, पी को एक बार इधर रखो और पी के सेकंड राइट में आर हो गया। अब आपको पता है पी के सामने एस है, ये हमारा एस हो गया। अब आपको, अच्छा हाँ, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ पर इनकी डायरेक्शन के बारे में तो पता ही नहीं है भाई, हम कैसे बनाएं, हमको ये ही नहीं पता है। और देखो यहाँ पे हमको ये भी नहीं बोला गया है कि किस तरीके से आपको दिया जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आर नेबर ऑफ क्यू एंड सेकंड टू द राइट ऑफ पी बेशक। तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे भी करके हमको एटलीस्ट कोई डायरेक्शन पता लगे, जो कि हमको नहीं पता लग रही। केवल सी की डायरेक्शन पता है और जिसका कोई खास फायदा हमको होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें सी से, मतलब हमारी 4 पॉसिबिलिटी जाएंगी अगली बार, है ना। चलो, तो ऐसा करते हैं, पहले 2 इधर की तरफ रख के बनाते हैं। एक बार पी को इन लिया, पी को आउट लिया, मेरे पास जगह नहीं है तो यहीं बना देती हूँ। पी के सेकंड राइट में आर है और पी के सामने एस है। आगे बढ़ेंगे, आगे एस और सी के बीच में 2 है। अरे बहुत ही बढ़िया यार, देखो यहाँ तो बन ही नहीं सकता ना, ना तो यहाँ बनेगा ना यहाँ, मतलब एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब आप पी को यहाँ लेके बढ़ाओ, पी के सेकंड राइट में आर और पी के सामने एस, यहाँ आ जाओ। 1 2 छोड़ के आपको पता है सी नहीं बनेगा, 1 2 सी और 1 1 2 ये बन जाएगा सी। अभी एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, अब हमको पता है सी आउट है और सी के इमीडिएट राइट वाला भी आउट है। अब आपको पता है आर के इमीडिएट में क्यू है ना, तो ये क्यू हो गया। और आपको पता है क्यू से 1 छोड़ के डी है और डी के सेकंड लेफ्ट में है, ये भी पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि डी का इमीडिएट राइट हो जा रहा है। अब एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, पी के सेकंड राइट में आर और यहाँ पर भी 2 छोड़ के सी नहीं बन सकता, केवल एक पॉसिबिलिटी है। वो दोनों ना यूजलेस थी, बहुत जल्दी जल्दी कैंसिल हो गई। आर और क्यू डन, ये वाली लाइन भी डन, एस और सी भी डन, सी के इमीडिएट वाला भी डन, एस और पी सेम डायरेक्शन है डन, डी के सेकंड लेफ्ट में क्यू भी डन, सी और पी दोनों के बगल में ए नहीं आएगा तो ए भी डन, ए इन होगा ये भी डन। अब बचेगा बी, ये बी, बी के सामने वाला बी की तरह डायरेक्शन होगा, ये भी डन। ऑलरेडी 4 आपको आउट दिखाई दे रहे हैं, बचा हुआ ए डन, ठीक है। चलो, अब फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। नहीं नहीं रुक जाओ, गाइस 1 मिनट को, ठीक है। तो आप लोग ये वाली पजल बनाना, स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। चलिए, बाकी इसके अलावा गाइस आप लोग टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ के लिए, डेली दिन में 12 बजे इसकी पीडीएफ मिलती है, ठीक है।
और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही भाई, वीडियो को लाइक करना और डेली शॉर्ट ट्रिक्स के लिए इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, दिव्या बैंकिंग डीजी सर्च करो या फिर दिव्या गुप्ता डीजी सर्च करो। बहुत बहुत शुक्रिया।